नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें देश भर के 425 कृषि विज्ञान केंद्रों ने भाग लिया। नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री जी का बल काफी ज्यादा है। वर्तमान परिस्थितियों में समय की जरूरत है कि लोग प्राकृतिक खेती पर जाएं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। दूसरा, पैसा भी ज्यादा लगता है। तीसरा, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। चौथा, जो उत्पादन होता है वह मानव शरीर को प्रभावित करता है। अभी तक हमारी नीतियां उत्पादन केंद्रित थीं। आज हम खाद्यान्न और उत्पादन की दृष्टि से बेहतर स्थिति में आ गए हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उत्पादन भी स्वच्छ हो, माटी भी स्वस्थ हो और देश के नौजवान भी स्वस्थ रहे, और दुनिया को भी जो हम दे सकें वह अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न और कृषि उत्पाद हो। इसलिए प्राकृतिक खेती के लिए मिशन बनाया गया है। प्राकृतिक खेती को लेकर एग्रीकल्चर में पाठ्यक्रम में भी उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसको कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट लगभग पूरी कर ली है, इसलिए यह कोर्स में भी आए, इसे भारत सरकार जल्द सुनिश्चित करने जा रही है। और पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती पर काम चल रहा है। प्राकृतिक खेती को लेकर हम एग्रीकल्चर में पाठ्यक्रम में भी उसकी शुरुआत करने वाले हैं। उसकी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगभग पूरी कर ली है, और इसलिए वो कोर्स में भी आए, ये भी भारत सरकार सुनिश्चित करने वाली है। और कृषि विज्ञान केंद्र हमारी सबसे प्रमुख यूनिट है, जो देश के हर ज़िले में है, और इसलिए 400 कृषि विज्ञान केंद्रों पर जहाँ जहाँ प्राकृतिक खेती की शुरुआत जल्दी की जा सकती है, ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों का यह वर्कशॉप आज ग्वालियर यूनिवर्सिटी में आयोजित है। और निश्चित रूप से इस वर्कशॉप में सभी विद्वान वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, और उनकी विचार विमर्श के उपरांत जो निष्कर्ष आएंगे वो प्राकृतिक खेती को और बल प्रदान करेंगे। मैं इस वर्कशॉप की संपन्नता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।